आज एक दीपचंदी ताल के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ कि दीपचंदी ताल 14 मात्रे कैसे ताल है। इसके बहुत से वेरिएशन बनाए जा सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन ये चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जैसे हम जब बजाते हैं तो जो ट्यून या जो गाना चल रहा है उस पर कौन सा सूट कर रहा है, कौन सा रिदम सूट कर रहा है। ऐसे तो इसका सीधा वाला बोल क्या है, धा धीन धा धा धीन धा तीन धा धा धीन धा, ये सीधा सीधा है, लेकिन इसके प्रकार धीरे 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 बनते जाएंगे। जैसे देखिए कैसे चेंज हो गया, धा धीन धा धा धीन धा तीन धा 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 धीन धा धा धीन धा तीन धा धा, बदल गया। अगर कुछ और भी लगाना चाहे इसमें तो बदलता जाएगा, कैसे, धा धीन धा धा धीन धा तीन ता ता तक ता ता तक धा धीन धा धा धीन धा तीन ता ता तक ता ता तक धा धीन धा धा धीन धा तीन ता ता तक ता ता तक, तो बहुत से प्रकार आएंगे, धा धीन धा धा धीन धा तीन तक धीन धीन गिन धा धीन धा 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 तीन तक धीन धीन गिन, ऐसे करके बहुत से धाधीन कुछ भी लगा सकते हैं। ऐसे लगाकर आप, बहुत से लोग तो ऐसा बजाते हैं कि कभी कभी छंद समझ में नहीं आता, जैसे ऐसा लग गया कहरवा का ठीका बज रहा, लेकिन वो 14 मात्रे में आता जाता है, सात में भी एडजस्ट हो जाता है, चार आपका 14 में भी, तो ऐसे करके वेरिएशन इसका बनता चला जाता है पर्टिकुलर। लेकिन ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम जिस सॉन्ग को या जिस ट्यून पे बजा रहे हैं उसके साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं, अगर मैच कर रहा है तभी उसका आनंद आएगा। तो ऐसे करके दीपचंदी ताल को आप अच्छे से बजा सकते हैं, और आप भी बजाइए।